करते हैं आप लोग, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। मैं हूँ आपका दोस्त ग्रेविल जसानी और आप देख रहे हैं ग्रेविल स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगा कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से तीन सर्कल्स ग्रो कर लेने हैं, क्योंकि बीच वाला सर्कल सबसे बड़ा होगा और उसके पास वाले दो सर्कल छोटे छोटे होंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको नोज का शेप ले लेना है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है, क्योंकि हमारे नोज में होता है कुछ इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके का शेप बना दिया है फ्रेंड्स, जो बड़ी वाली लाइन होती है उसे मैं बना रहा हूँ। देखते फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरीके से दो कर्व लाइन बनानी है, जो कि हमारे नोज की बड़ी वाली लाइन होती है उसे। तो मैं फ्रेंड शेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा नोज का शेप रेडी हो चुका है। तो अभी मैं शेडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं राउंड करके शेडिंग दे रहा हूँ और बीच में थोड़ा सा वाइट पार्ट खाली छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ हाईलाइट होगी, वो हमारा नोज का सबसे ऊपर वाला पार्ट है फ्रेंड्स। तो वहाँ हाईलाइट देनी होगी हमें, तो वहाँ मैं थोड़ा सा वाइट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और नोज के बीच वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं मैंने खाली जगह छोड़ दी और उसके आसपास मैंने शेडिंग कर दिया फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर HB पेंसिल की मदद से ही शेडिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। और डार्क एरिया यहाँ पर मैं दोनों के लिए 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 6B पेंसिल की मदद से वही कलर डार्क हो जाता है, तो इसको आप 6B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको उससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप 10B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं 6B पेंसिल की मदद से ही जहाँ डार्क एरिया से उसे दोनों दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं दे रहा हूँ। और जहाँ लाइट है वहाँ मैं 6B पेंसिल को थोड़ा कम प्रेशर का यूज़ करके दे रहा हूँ थोड़ी। तो देख सकते हैं आप भी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ना उसको। तो देखे फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे मैं डार्क एरिया दे रहा हूँ, अभी देख सकते हैं मैं उसके साइड वाले पार्ट में भी मैं शेडिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और डार्क कर रहा हूँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने उसके आसपास वाला थोड़ा सा हिस्सा शेप और शेडिंग करा हुआ, ताकि लगे कि ये नोज है। तो फ्रेंड्स अभी मैं हाईलाइट देने के लिए नेडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। जैसे कि उस डायरेक्शन में मैंने शेडिंग की थी, उसी डायरेक्शन में मैं ब्लेंडिंग भी कर रहा हूँ ब्रश की मदद से फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं, और अभी मैं फिर से डार्क कर रहा हूँ डार्क एरिया को। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटे से 8 फैमिली का मेम्बर बन जाए फ्रेंड्स। वो सब्सक्राइब वाले रेड बटन को प्रेस करके उसके पास रहे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो जहाँ जहाँ डार्क एरिया से वहाँ मैं डार्क कर रहा हूँ। और ठीक है फ्रेंड्स।